नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। बिहार की राजनीति की बात करें तो बिहार की राजनीति में कोयरी समाज को हमेशा से वो जगह नहीं मिली, वो पहचान नहीं मिली जो उसको मिलनी चाहिए थी। लेकिन बिहार की राजनीति में साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने कोयरी समाज, जो बिहार में जो तीसरा सबसे बड़ा कास्ट और तीसरा सबसे जिनकी आबादी सबसे ज़्यादा है वो कास्ट कोयरी समाज है, उन बिहार में कुछ नेता ऐसे हुए, कुछ राजनेता ऐसे हुए जिन्होंने उनको एक अलग पहचान दिलाई। तो हमारे साथ हैं नागमणि सर, इनसे हम बातचीत करेंगे और जो कुछ बहुत सारी ऐसी बातें हैं कोयरी समाज को लेके, बिहार की राजनीति को लेके उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो जो दौर था उस दौर से और अभी का जो दौर चल रहा है क्या परिवर्तन आ गया। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि जो बिहार की राजनीति थी पुराने समय में और आज जो राजनीति है, कोयरी समाज को एक अलग पहचान आज मिल रही है और जो बहुत पुराने समय में वो पहचान नहीं मिल पाई थी, तो कैसे कैसे राजनीति बदली, कैसे कैसे वो पहचान मिली और क्या क्या मुश्किलें आईं, क्या क्या वो दौर था, एक बार पिछले दौर के बारे में अगर कुछ बताएं तो। चलिए, धन्यवाद आपको। 1994 में हमने पूरे बिहार झारखंड के पैमाने पे कुशवाहा सम्मेलन कराया था। कुशवाहा सम्मेलन अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जिनको भारत लीलिन कहा जाता है, उनके शहादत दिवस के उपलक्ष्य में कराया था पटना के गांधी मैदान में। और सम्मेलन के पहले कुशवाहा समाज को हिस्सेदारी नहीं के बराबर था। हमने 2.5 महीना लगातार बिहार झारखंड के सभी जिला, प्रखंड और गांव-गांव का दौरा किया और करीब 2.5 लाख पटना गांधी मैदान में हमारे समाज के लोग जुटे। उस समय तक आज़ादी के बाद बिहार में मात्र 12 विधायक हुआ करते थे। मंत्रिमंडल जो बनता था, कभी मंत्री एक बनता था, कभी नहीं बनता था। लेकिन सम्मेलन करने के तुरंत बाद, एक साल के बाद 95 का विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें 12 एमएलए से सीधे 30 एमएलए हमारा कुशवाहा समाज के लोग जीत के आए। और जो एक मंत्री बनता था, कभी नहीं बनता था, उसके कॉम्प्रिज में 7 मंत्री पहली बार बने। दूसरी उपलब्धि, आज़ादी के बाद पहली बार कुशवाहा समाज से वाइस चांसलर बना। आज़ादी के बाद पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बना, जहां पब्लिक सर्विस कमीशन में डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और गजेटेड पदाधिकारी बनते हैं, वहाँ हमारे समाज से एक मेंबर बनाया गया जो कुशवाहा समाज के हिस्सेदारी की बात किया और बहुत बड़े फायदे हुए। उसी तरह से कॉलेज सेवा सर्विस कमीशन, जो कॉलेज में प्रोफेसर की नियुक्ति होती है, उसके चेयरमैन बनाए गए। जो स्कूल सर्विस कमीशन, जो हाई स्कूल में टीचर की नियुक्ति होती थी, उसमें भी एक मेंबर बनाया गया। तो ये कुशवाहा सम्मेलन, महासम्मेलन जो हम लोग किया था, उसका इतना बड़ा बेनिफिट हुआ। लेकिन आज के तारीख में देखा जाए, जबकि नीतीश कुमार जी लव और कुश की बात करते हैं, उनका आधार वोट कोयरी कुर्मी है, तो जिस तरह का हिस्सेदारी आज से 25 साल पहले मिला था, आज के तारीख में उतनी हिस्सेदारी नहीं है। लेकिन मैं बिल्कुल कह सकता हूँ इस बात को कि इसमें नीतीश कुमार जी दोषी नहीं हैं, बल्कि हम और हमारा जो कुशवाहा समाज है उसका मैं दोष मानता हूँ कि 25 साल पहले जो सम्मेलन हुआ उसका असर कितना दिन पड़ेगा। अब असर नहीं के बराबर है। बिहार की तमाम पॉलिटिकल पार्टी कुशवाहा समाज को प्रायोरिटी नहीं दे रही है, प्रिफ्रेंस नहीं दे रही, जबकि आज के तारीख में बिहार की जो राजनीति है वह दो ध्रुव में बटा हुआ है, एक यूपीए और एक एनडीए। और पार्टिकुलर जो यूपीए है उसमें यादव और मुसलमान
करीब 30% आते हैं। अन्य जो तबका मांझी जितना मांझी जी हैं आपका मल्ला समाज के लोग हैं वह यूपीए के साथ हैं। रेस्ट जो कम्युनिटी है वह एनडीए के साथ है, बीजेपी और नीतीश जेडीयू के साथ है। अगर जात कास्ट को देखें हमारा कुशवाहा 10% है, एक नंबर मुसलमान, दो नंबर यादव, तीन नंबर की कौम हमारा कुशवाहा समाज है। बिहार में जितने मेजर कास्ट हैं सभी से मुख्यमंत्री बना, लेकिन हमारा कुशवाहा समाज से आज तक नहीं बन पाया। ये तमाम लोग को ज़बरदस्त दर्द है कि हमारा इतना पॉपुलेशन है, छोटी छोटी जातियों से मुख्यमंत्री बना लेकिन कुशवाहा समाज से नहीं बना, ये लोगों में दर्द है। और इसीलिए हमने संकल्प लिया है कि 2020 में 29 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में कोयरी सम्मेलन हम लोग करें और उसकी तैयारी के लिए हमने 30 सितंबर को अमर शहीद जगदेव प्रसाद का शहादत दिवस के उपलक्ष में पूरे बिहार के जिला प्रखंड और गांव-गांव के जो प्रमुख लोग हैं सब लोग को आमंत्रण दिया है। और उसमें हम लोग उस दिन शहादत दिवस तो एक फॉर्मल मना ही जाएगा, उनके शहादत दिवस के उपलक्ष में जो 29 फरवरी को पटना गांधी मैदान में जो कोयरी महासम्मेलन करेंगे उसका स्वागत समिति का गठन करेंगे, प्रदेश स्तरीय, जिला स्तरीय और विधानसभा क्षेत्र बेसिस पर। और हमने ये तय किया है कि राज्य स्तरीय जो सम्मेलन हम लोग करेंगे, राज्य स्तरीय जो स्वागत समिति बनाएंगे उसमें प्रत्येक जिला से एक एक लोग को निश्चित रूप से हम लोग स्टेट कमेटी में रखेंगे। जिला कमेटी में जिला स्वागत समिति बनाएंगे उसमें प्रत्येक प्रखंड के कम से कम 5-5 सूटेबल कोयरी समाज के लोग को हम लोग कमेटी में रखेंगे। और जो विधानसभा का जो स्वागत समिति बनाएंगे उसमें कोयरी का जितना गांव है हर गांव से 2-3 लोग को हम लोग स्वागत समिति में रखेंगे, ताकि इस तरह का हम सम्मेलन कराना चाहते हैं जो भूतो न भविष्यति, है ना, जो न पहले हुआ था और न कभी होगा, उस नियत से उस जोश खरोश के साथ हम ये सम्मेलन कराएंगे। और निश्चित रूप से 1994 का जो सम्मेलन था वह सत्ता में हिस्सेदारी की लड़ाई थी और बहुत हद तक कुशवाहा समाज को हिस्सेदारी मिला था, लेकिन इस बार की जो हमारी लड़ाई है एक तरह से मेरे जिंदगी का अंतिम लड़ाई है। और इस कोरी सम्मेलन करने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि बिहार में कुशवाहा का राजपाठ बने, यानी बिहार में कुशवाहा मुख्यमंत्री बने, ये हमारा टारगेट है। अलग बात है कि मैं जेडीयू में हूँ, लेकिन जब सम्मेलन में करूँगा तो पार्टी अलग मेरा इशू है, लेकिन समाज को संगठित करना मेरा पहला प्रायोरिटी है। अगर ये सर, ये आप जो कुशवाहा सम्मेलन की बात कर रहे थे जब 1994 में हुआ और जब आप इस बार करने जा रहे हैं, तो ये जो होता है ये रेगुलर हर साल होता है, कुछ समय के बाद होता है, इसका क्या? 1994 में आज़ादी के बाद पहली बार सम्मेलन हम लोग किया था और 25 साल के दरमियान दो बार कोई कुशवाहा सम्मेलन हुआ, लेकिन कभी 5,000 आदमी जुटा, कभी 10,000 आदमी जुटा। लेकिन हमने जो सम्मेलन 1994 में किया था वह कम से कम 2-2.5 लाख लोग जुटे थे, 2 दिन पटना गांधी मैदान में भर थे, उन पानी में हमारा कुशवाहा समाज
डटा रहा और उसी का परिणाम है कि 100% वोट उस समय लालू जी मुख्यमंत्री थे, लालू जी को 100% वोट मिला और लालू जी ने जो हिस्सेदारी दिया, जो मैंने कहा कि 12 MLA से सीधा 30 MLA हो गया, एक मंत्री बनता था कभी नहीं बनता था, सीधा 7 मंत्री बना। आज़ादी के बाद पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर, भाई चांसलर, कॉलेज सेवा सर्विस कमीशन का चेयरमैन, स्कूल सर्विस कमीशन का चेयरमैन और जितने भी जिला और प्रखंड में 20 सूत्री कमेटी का गठन हुआ था उसमें सभी जगहों पर कुशवाहा को प्रॉपर हिस्सेदारी दिया गया था। तो उस समय लड़ाई हम लोग का हिस्सेदारी का था, लेकिन अब लड़ाई हम लोग का राजपाट पर कब्जा करने का है और मुझे 100% विश्वास इस बात का है कि यह जो कोयरी सम्मेलन होगा वह बिहार के फ्यूचर को डिसाइड करेगा। आज भी मैं डंके के चोट पर इस बात को कहना चाहता हूँ कि हमारा कुशवाहा NDA के साथ जाएगा तो NDA की सरकार बनेगी, UPA में जाएगा तो UPA की सरकार बनेगी, लेकिन हमारा पुरजोर निवेदन इस बात का होगा कि बिहार में सभी मेजर कास्ट के लोग मुख्यमंत्री बना, वाई नॉट कुशवाहा, कुशवाहा क्यों नहीं। इसलिए अगला जो टारगेट है हम लोग का वह बिहार में राजपाट पर कब्जा करने का है और मैं आज से ही आपके माध्यम से भी तमाम कोयरी समाज के बुद्धिजीवी, नौजवान, युवा और महिलाओं का आह्वान करता हूं कि अभी से जो स्वागत समिति है वह प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर और विधानसभा स्तर पर बनाना शुरू करें ताकि और 30 तारीख को प्रत्येक गांव से, प्रखंड से, जिला से लोग जुटें ताकि स्वागत समिति का उस दिन घोषणा करें और 15 नवंबर से हम लोग जिला में जिला का कार्यक्रम बनाएंगे। एक जिला में जिस तरह का जिला होगा 2 दिन 3 दिन 4 दिन, चूँकि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र वाइज हम लोग कैंपिंग करेंगे। एक जिला अगर किसी में गए 4 दिन रहेंगे तो 4 दुनिया 8 विधानसभा क्षेत्र में हम लोग का दौरा होगा और पूरे नौजवानों में इतना जोश खरोश है, रोज़ 200 फ़ोन मुझे आ रहा है युवाओं का कि नहीं इससे बड़ा स्टेप कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि आज पूरा हमारा कुशवाहा समाज मरमाहित है, कहीं किसी का काम नहीं हो रहा है। जो कुछ मंत्री एक दो लोग हैं उन लोग से भी कुछ काम हो नहीं रहा, लोगों में बड़ा फ्रस्ट्रेशन है और पूरा बिहार जानता है कि कोई भी काम है हम लोग के आता है, 1 मिनट में हम लोग फ़ोन करते हैं, लोग का काम होता है। तो आपसे सर ये जानना चाहेंगे कि आप बता रहे थे कि जैसे कुशवाहा समाज को वो प्रतिष्ठा नहीं मिली, वो इमेज नहीं मिली जो उन्हें मिलनी चाहिए थी, तो इसके पीछे कारण क्या रहा, आपसे जानना चाहेंगे। कारण तो एक ही है ना कि जिस तरह से 1994 में हम लोग सम्मेलन कराया, कुशवाहा को एक तरफा वोट करवाए, उस समय लालू जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने हिस्सेदारी दिया। आज के तारीख में कुशवाहा बहुत फ्रस्ट्रेटेड है और किसी पार्टी से कोई खुश नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं प्रेफरेंस देती है, क्योंकि जिस तरह की एकता होना चाहिए, चट्टानी एकता, लोग पॉलिटिकल पार्टी को विश्वास हो कि कुशवाहा का वोट टोटल हमारी पार्टी को मिलेगा, हमारी पार्टी को वोट मिलेगा तभी तो वैल्यू देगा। तो हमारा प्रयास एक ही है कि कुशवाहा को बिल्कुल एकजुट करेंगे और जिस पार्टी से जहां भी कोई बात होगी उसके आधार पर हम लोग आगे बैठ करेंगे और एक ही शर्त हम लोग का होगा कि भाई बिहार में कुशवाहा मुख्यमंत्री आप बनाइए, तभी हम आपके पार्टी को आपको सपोर्ट करेंगे और बिना कुशवाहा के किसी पार्टी की सरकार बनने वाली नहीं है, ये मैं डंके के चोट पर फिर कहना चाहता हूँ। अच्छा सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बार का जो सम्मेलन होगा इसकी क्या खास बातें रहेंगी, कितना विशाल होगा, कितने लोग आने की संभावना है और क्या क्या खास बातें हो सकती हैं इस बार? देखिए, जब मेरा एक ही टारगेट है, सब लोग से एक ही निवेदन करूँगा कि प्रत्येक गाँव से कम एक एक बस या एक एक गाड़ी कम से कम लेके आवें। नेचुरल है कि 4-5 लाख आराम से गांधी मैदान में
वो लोग जुटेंगे, और जहाँ 5 लाख आदमी जुट जाएगा तो नेचुरल है कि हर पॉलिटिकल पार्टी वोट लेने के लिए मुख्यमंत्री, क्या मुख्यमंत्री से ऊपर भी पोस्ट कोई कहेगा वो भी देने तैयार हो जाएगा। जिस तरीके से आप सुन रहे थे कि कुशवाहा समाज है जो उसको वो इमेज नहीं मिली, उस कोयरी समाज जो उसको वो इमेज नहीं मिल पाई थी, उसको पहचान नहीं मिल पाई थी, और एक बार फिर इसके लिए सम्मेलन किया जा रहा है पटना के गांधी मैदान में, जो तमाम लोग हैं उनको बुलाया जा रहा है, एक बार फिर से बड़ा सम्मेलन होगा, बता रहे थे हमारे नागमणि सर, बता रहे थे इस बारे में। आप देखते रहिए सिटी पोस्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार। कि आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।